नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एट ऑफ वैंड्स की। तो एट ऑफ वैंड्स के अगर हम कीवर्ड्स में जाएंगे तो एट ऑफ वैंड्स के कीवर्ड्स हैं मूवमेंट, फास्ट पेस्ट, एक्शन, कमिंग टू कंप्लीशन एंड इट कैन ऑल्सो मीन एयर ट्रैवल। और वॉन्ट्स ऑल्सो स्टैंड फॉर इंस्पिरेशन, सो इट्स लाइक इंस्पिरेशन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो दीज आर सम ऑफ द की वर्ड्स विच आर शोन। ओके, सो वॉट डज एट ऑफ वॉन्ट्स सजेस्ट? एट ऑफ वॉन्ट्स आपसे क्या बोलता है, क्या क्या मीनिंग है इसका? तो एक तो सबसे बड़ी बात, एक तो मैं आपको और बोलना चाहूँगा, जब भी आप टैरो कार्ड देखें उसको अच्छे से एनालाइज करिए, उसको देखिए कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहा है। व्हाट आइडियाज़ डू यू गेट, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बात करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है अपने बारे में? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एनी बुक, वॉट एवर यू गोइंग टू सी अबाउट द कार्ड। सो सेवन ऑफ वैंड्स, एक तो सेवन ऑफ वैंड्स सजेस्ट करता है चेंज, मूवमेंट, इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रैवलिंग टू यू एट अ वेरी फास्ट रेट। एक बहुत तेज़ी से कोई इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, आपको बताने के लिए एक मैसेज आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर एयर ट्रैवल जो है जहाँ पर सजेस्ट किया जाता है। एट ऑफ वॉन्ट्स आपको इनकरेज करता है सारे डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने के लिए, और इसमें एनर्जी है जो भी आपका अधूरा काम है वो अब कंप्लीट होने जा रहा है। दैट्स वॉट इट इज ट्राइंग टू टेल यू, बी लाइक एन एरो एंड एम योर टारगेट। दैट्स वॉट द वैंड्स स्टैंड्स फॉर। वॉन्ट्स को थोड़ा समझेंगे तो वॉन्ट्स जो है वो स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, इंट्यूशन के लिए और सपोर्ट के लिए। तो एट ऑफ वॉन्ट्स आपको सपोर्ट कर रहा है आपके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ट्स जो है वो अपने आप में वी कॉल इट एज एनर्जी। तो एट ऑफ वॉन्ट्स जो है उसमें शो कर रहा है कि इट्स जस्ट वाइटल एनर्जी विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और टूवर्ड्स द अर्थ। ये माइनर अरकाना में सिर्फ दो कार्ड ऐसे हैं और जिसमें ह्यूमन फिगर नहीं है, एंड एट ऑफ वैंड्स उसमें से एक कार्ड है। एट ऑफ वैंड्स कुड ऑल्सो स्टैंड फॉर सेक्सुअल क्लाइमेक्स, मतलब सिर्फ ये है कि आप इस वक्त जो हैं बहुत एक अच्छे पीरियड से गुजर रहे हैं और आपके रुके हुए काम सारे के सारे जैसे कंप्लीट होने वाले हैं। ये आपको कार्ड जो है आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉन्ट्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं धरती की तरफ जो है उसको टच करने को हैं, ग्रेविटी है जो कि उसको खींच रही है। तो ये समझिए कि समय भी कम है और इस कम समय के अंदर जितनी जल्दी आप इसका यूज़ कर सकें, इन कार्ड्स का, इस अपॉर्चुनिटी का जो आपके सामने है, दिस इज़ द टाइम। और एट ऑफ वॉन्ट्स में एट नंबर जो है वो वुमेन एनर्जी को सिग्निफाई करता है, फीमेल एनर्जी को सिग्निफाई करता है, विच मीन्स लाइक फेमिनिन एनर्जी इज़ फेवरेबल ऑन दिस कार्ड। और कार्ड में देखेंगे नीचे तो पीछे की तरफ जो है एक नदी बह रही है, और ये नदी जो है इसको आप कह लीजिए रिवर ऑफ लाइफ। और जो मैसेज जो टैरो कार्ड में आता है वो ये कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी विद दीज एट ऑफ वॉन्ट्स कमिंग, आवर लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन। हमारी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी जैसे कि ये आठ ऑफ वॉन्ट जो है हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। सो एट ऑफ वॉन्ट्स का जो है अगर मैं कंक्लूजन में जाऊँ तो ये आपको कार्ड बोलते हैं, इनकरेज करते हैं टू गो विद द फ्लो, एंड वो आपको बोल रहे हैं एवरीथिंग इज़ मूविंग वेरी फास्ट राइट नाउ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेस ऑफ इट, यू हैव टू गो विद द फ्लो। दैट्स व्हाट द एट ऑफ वॉन्ट्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखिए, एट ऑफ वॉन्ट्स हमें एक चीज़ की और जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो ये जो हमें चेताता है कि हमारे पास टाइम कम है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। इस अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपके सारे रुके हुए काम हो सकते हैं,
Don't let go of it and make the most of it, out of it. That's what the Eight of Wands stands for. So card बहुत simple है अगर आप देखेंगे, लेकिन एक अच्छा positive card है और आपको बहुत inspiration देता है, help करता है, support करता है. ये reading में आने का मतलब आपको blessing की जो है आपकी life में शुरुआत हो रही है. So this is something very good for you. So this was my reading for Eight of Wands. आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. मैं मिलूँगा आपको अपने नए वीडियो में. थैंक यू सो मच. नमस्ते.